गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। आज हैं 20 मई और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज की अपडेट क्या है। शिक्षक भर्ती लेवल 1 का परिणाम मई में, लेवल 2 का जून में विषयवार आएगा, इस तरह से जारी हो सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपत्तियों के निस्तारण के कारण लगा समय। JNVU ने गलती सुधारी, लेकिन अब नेट सेट व नेट प्लस JRF स्टूडेंट्स को नहीं मिलेंगे बोनस अंक। कांस्टेबल भर्ती खाली रहे पदों पर 51 अभ्यर्थियों का चयन किया, 44 सामान्य और 7 चालक की चयन सूची जारी की गई। RT 32,000 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए 5,00,000 विद्यार्थियों की प्राथमिकता तय। शिक्षा मंत्री ने निकाली लॉटरी, 2 जून तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग, 6 जून तक आवेदन पत्रों की जांच होगी। 4,623 निजी विद्यालयों में कोई आवेदन नहीं, 12 जून तक दस्तावेज में संशोधन हो सकेगा। विज्ञान में बढ़ रही रुचि, कॉमर्स से किया किनारा, विषय चयन में आ रहा बदलाव। सरकारी नौकरी की ललक से बदलाव, परीक्षा परिणाम में कई विद्यालयों ने जड़ा शतक तो खिलखिलाए चेहरे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विज्ञान और वाणिज्य संकाय का परिणाम जारी, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का प्रेस नोट आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरा। 5.38 लाख बच्चों की प्री प्राइमरी व कक्षा 1 में प्रवेश में दी वरीयता। RT पिछले 70 के चयनित 6,000 बच्चों को लॉटरी में दी प्राथमिकता। शिक्षकों के 12,000 पदों पर निकली भर्ती छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग में। शिक्षकों के सेटअप परिवर्तन प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग। सभी कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों का बनेगा आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। PTT कल 5.25 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत, सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक होगी परीक्षा, प्रदेश में बनाए 1494 केंद्र। RT लॉटरी से 5.38 लाख विद्यार्थियों का 32,000 स्कूलों में वरीयता क्रम तय, 4,623 में आवेदन ही नहीं। विशेषज्ञों ने कन्वेंस बैंक तैयार किया, मॉडल पेपर सोल्व करवाई, क्लास खाली नहीं छोड़ा। बायो साइंस में डूंगरपुर प्रदेश में अव्वल। सरकारी स्कूल पिछड़े, साइंस में 112 में से 31 स्कूलों का परिणाम ही 100%, कॉमर्स में ऐसे 12 में से 7 स्कूल। बोनस अंक के लिए अनुभव प्रमाण पत्र जरूरी, आवेदन 18 जून तक ऑनलाइन। चिकित्सा विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के TSP के 352 और नॉन TSP के 3,384 पदों पर होगी भर्ती। RT निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश के लिए 70,000 आवेदनों की निकाली लॉटरी। स्थानांतरण में मौका नहीं मिलने का भय, राज्य के 12 सुपतृतीय श्रेणी शिक्षकों ने अंग्रेजी से हिंदी मीडियम स्कूलों में जाने का विकल्प चुना। संविदा भर्ती 14,033 अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 1 जून तक। अनुभव प्रमाण पत्र बनाने के लिए उम्मीदवारों को दोबारा गुजरना पड़ रहा है पूरे प्रोसेस से। नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट भर्ती 2023, जो फिर 23 से 2 दिन में 7,333 ने कराया रजिस्ट्रेशन। 5,309 स्कूलों में नहीं किया स्टूडेंट्स का डाटा अपलोड। 2023-24 से BSc नर्सिंग में 100% सीटों पर प्रदेश देगा RUHS। 2022-23 में 114 सीटें थी खाली। PTT परीक्षा कल, बीकानेर में 16,000 अभ्यर्थी, 52 सेंटर गठित, मेरिट से होगा प्रवेश। 1 जुलाई 2023 की री रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू। कोटा के हिमांशी 99.20% अंकों से प्रदेश टॉपर, केथुदा खातौनी में शिक्षक नहीं परिणाम 100%। 2023-24 से BSc नर्सिंग में 100% सीटों पर प्रवेश देगी RUHS फाउंडेशन का कोटा खत्म। दोस्तों ये थी आज की अपडेट, आज का ये अच्छा सा सुविचार, सदैव अपने पैरों पर खड़े होने का प्रयास करो, किसी और के भरोसे मत रहो, क्योंकि संसार में किसी के भी जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसी के साथ आज की अपडेट समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।